पिकॉक भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, हर एक व्यक्ति इस बात को जानता है। आज मैं दो नर पिकॉक, एक हमारे अंकल ने एक बार मेरे को एक कमेंट भी किया था कि आप सारे कुछ हिंदी में बोलते हो तो पिकॉक को मोर क्यों नहीं बोलते, तो चलो मोर नर मोर हैं दोनों, अपना पावर दिखाने के लिए फाइट करने के लिए ये उत्साहित हैं, लेकिन यह पक्षी इतना चतुर और चालाक है कि फाइट से पहले अपने आप को भी सेफ रखना चाहता है। अब एक रोड के ऊपर चलते हुए ट्रैफिक में, बीच बीच में ट्रैफिक निकलता है आप देख भी रहे हो, चलते हुए ट्रैफिक में ये रोड पर एक दूसरे का सामना करे हुए हैं। अब मैं इनकी एक बात बताता हूँ, इनको जो पंख हैं, ये पंख अभी 3 से 4 महीने के हुए हैं, क्योंकि पंख गिराने के बाद में पिकॉक के फिर पंख आना शुरू हो जाता है, बीच बीच में ये ट्रैफिक जाता है रोड पे से, वो आपको डिस्टर्ब हो रहा है इसके लिए श्योरी। अब देखो देखो कई बार तो ये एक दूसरे को चोंच मारने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर रुक जाते हैं, और इनके पंख छोटे दिखाई देंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें चैनल को, शेयर और लाइक ज़रूर करें। ये दोनों के पंख जो हैं अभी 4 महीने के लगभग हुए हैं गिरने के वापस बाद में, और ये जुलाई अगस्त के आसपास पूरी तरह विकसित हो जाते हैं, उसके बाद ये पंखों को गिराते हैं, क्योंकि जुलाई और अगस्त में इनका प्रजनन टाइम होता है, तो मादा को रिझाने के लिए ये अपने पंखों का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन अब ये फाइट करने के लिए बहुत उत्साहित तो हैं, लेकिन बहुत चतुर और चालाक पक्षी है। अब ये दूसरा एक पक्षी है जो मैंने इस वीडियो में हल्का सा एडिट करने के चक्कर में कलर दे दिया है, लेकिन ये देखो सरसों का खेत है सामने, उसके पास से गुजर रहा है और पिकॉक की जान के कुछ फुटेज मुझे दिखा रहा हूँ आपको। कुछ भाइयों की डिमांड थी कि पिकॉक्स के वीडियो लाओ, तो पिकॉक्स 1 महीने 2 महीने पहले तो इनके पंख गिर चुके थे, लेकिन अब वापस आना शुरू हो गया है। अब एक पिकॉक है जो पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है, क्योंकि रात को पिकॉक पेड़ में अपना निवास करते हैं, रन बसेरा है इनका पेड़। एक मेरे व्यूवर का कमेंट आया कि सर अंडा कहाँ देते हैं, ये बैठते तो पेड़ में, तो भाई इनको मैंने बता भी दिया था उस वीडियो में कि अंडा ये किसी झाड़ी में देते हैं जहाँ कोई जंगली जानवर इसके अंडों को हानि ना पहुँचा सके। तो प्लीज़ पिकॉक्स राष्ट्रीय पक्षी, इसको लाइक और शेयर करें, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।